मुरादाबाद के कटघर गाड़ी खाना में अहीरों वाले मंदिर में काफी समय से प्राथमिक विद्यालय संचालित किया जा रहा है। पिछले दिनों विद्यालय के कमरे जर्जर हालत में थे, जिनको गिराने के बाद दोबारा उसी स्थान पर बनाने के लिए बात कही गई थी, जिसके बाद शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाने का काम मंदिर के अंदर कर रही थी। ऐसे में मंदिर समिति के सदस्यों ने इस पर ये कहा कि मंदिर के अंदर बच्चों को ना पढ़ाया जाए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में भक्तों को परेशानी हो रही है। गुरुवार को विद्यालय की महिला शिक्षिका मीना चौहान ने मंदिर समिति के सदस्यों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद जैसे ही सूचना क्षेत्र में फैली तो हर जगह हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। ऐसे में आश्वासन दिया कि स्कूल जिस जगह पर संचालित किया जाता है वहां पर जल्द ही कमरों का निर्माण किया जाएगा। महिला शिक्षिका ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उनके साथ मारपीट की गई है। महिला शिक्षिका का ये कहना था कि यहां पर काफी समय से स्कूल संचालित किया जाता है। स्कूल मंदिर के बराबर में काफी समय से चल रहा है, मगर कमरे दोबारा बनाने के लिए स्कूल मंदिर के अंदर संचालित कर रहे थे। ऐसे में मंदिर समिति के सदस्यों ने इस पर एतराज किया और महिला शिक्षिका ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साथ मारपीट की गई है। महिला शिक्षिका ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, सर यहाँ पे पीछे स्कूल संचालित होता था, मैं 2011 से यहीं पे हूँ। तो उन्होंने मनोज यादव हैं, ये मंदिर के ट्रस्ट, तो उन्होंने यहाँ पे परमिशन ले रखी थी विभाग से कि मैं इसको उन्होंने बहुत अच्छा बना हुआ था, उन्होंने तोड़वा के दोबारा और ये करवाया कि मैं विभाग से परमिशन लेके कि मैं इसे दोबारा बनवाऊँगा। हम लोगों को इसमें कोई रोल नहीं था, बोले जब तक ये स्कूल बनता है तब तक आप लोग यहाँ मंदिर में बैठेंगे और मंदिर में ही सामान रखेंगे, जब मैं इसे तैयार करा दूँगा तो फिर आप उधर बैठ जाएंगे। लेकिन सर 2 साल हो गए, हमने विभाग को भी बहुत एप्लीकेशन दी और सबसे कहा, लेकिन ये बनके तैयार नहीं हुआ। आज ये हुआ सर, हम सुबह मॉर्निंग में एक अमित गुप्ता है, एक राजू सर, सुबह 15 दिन पहले उन्होंने हम लोगों से कहा था, बदतमीजी की थी, लेकिन हमने हमारे जो अध्यक्ष जी, मैंने उनको भी फोन करके बताया था कि हमसे ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं लोग। और आज हम सुबह आए सर तो इन्होंने पता हम लोगों को आ गए मारने के लिए और बच्चों को गाली दी और बोले यहाँ कैसे बैठे हो, और कह रहे बोले क्या है, बहुत सारे लोग आए, ये लोग हम लोगों को मूवी भी नहीं बनाने दी। आज ये हुआ सर, जब हम सुबह मॉर्निंग में आए तो ये आए, हाँ 15 दिन पहले भी इन्होंने गाली भी दी थी, बहुत गंदी गंदी गाली देने के बाद हमने कौशिक सर से कहा था कि ऐसे ऐसे, हमने BSS साहब को फ़ोन किया था तो सर ने राहुल शर्मा जी से भी कही थी कि ऐसे ऐसे ये बदतमीजी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो एप्लीकेशन वगैरह ये कुछ आ जाना, तो हमने सर बता दिया उनको। फिर सर एप्लीकेशन देने का ये अंदर आए, आके गंदी गंदी गाली दी और बच्चों को, और तुझे इतना मारूंगा ये करूंगा, बच्चों से हमसे दोनों से बहुत बदतमीजी की इन्होंने, हाँ दे दिए सर। कटघर थाने में मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ और सर इन्होंने ना आके दोबारा चाकू लेके आए, इतना बड़ा ही, और चाकू से बोले 4 केस मेरे पहले हैं, 5वां तुझे भी मार दूंगा। मौके पर शिक्षक संघ से राकेश कौशिक और बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी एवं स्थानीय निवासी पहुंच गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराने का प्रयास किया और कहा कि सभी लोग शांति व्यवस्था कायम रखें। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्यों का ये कहना था कि महिला शिक्षिका द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत है। सिटी चैनल से बात करते हुए मंदिर समिति के सदस्य ने बताया, ये जो मंदिर है काफ़ी समय से चल रहा है, मंदिर भी स्कूल भी, सिर्फ इस बात का विवाद है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल के प्रांगण में पढ़ रहे हैं। हम लोगों का ये कहना है कि बच्चे को जो जहाँ इनका स्थान है वहाँ पढ़ाया जाए, यही विवाद है, बाकी कोई विवाद नहीं। मतलब मंदिर के अंदर नहीं पढ़े बच्चे? मंदिर के अंदर ना पढ़े, मंदिर के प्रांगण में ना पढ़े, उससे हम लोगों को पूजा अर्चना करने में परेशानी होती है। अच्छा, तो आज क्या मामला हुआ? आज मामला ये हुआ कि अमित जी हैं या सुबह पूजा करने गए मंदिर में, बच्चों के जूते चप्पल थे, इन्होंने मना कर दिया, जूते लेके बैठे थे। अच्छा, इन्होंने मना कर दिया कि जूते आप भाव उतार लो, किसी बात पे विवाद हुआ। और महिला कह रही है उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया। मंदिर में कैमरे लगे हुए हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग करा के जांच करा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं।